को कल दिया गया था वार्डन की ओर से एक सीक्रेट टास्क, और सीक्रेट टास्क के चलते अगर उन्होंने बिना किसी को पता चले अपना टास्क कंप्लीट कर दिया तो पूरे हफ्ते के लिए वो ब्लू टीम के लिए जीत सकती है पर्सनल राशन, जहाँ पे वो किचन में अपनी मर्जी की अपने पसंद की चीज़ें बना के खा सकते हैं। लेकिन क्या ये टास्क सारा सक्सेसफुली कर पाई, क्या डेयरिंग बाजी में सारा जीत पाई, या फिर पड़ गया पूरा गेम उन्हीं के ऊपर उल्टा, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। वह आपको बता दें कि आज लाइव फीड में जस्ट थोड़ी देर पहले ही मंदना और आजमा ने अपनी अपनी टीम जो है चूज़ कर ली। दोनों ने ऑरेंज को ही चूज़ किया और ब्लू टीम को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अब इसी के बीच वार्डन जो है, जो लेटर सारा को वो दिया था, वही लेटर सामने सबके सामने पढ़ के सुनाते हैं कि किस तरीके से तुम्हें एक सीक्रेट टास्क दिया गया था डेयरिंग बाज का, क्योंकि आप पिछला टास्क जीते थे ब्लू टीम, और इसीलिए सारा आपको चूज किया गया था डेयरिंग बाजी के टास्क के लिए, जिसके चलते आपको आजमा एंड मंदना दोनों को इस तरीके से ट्रीट करना है जिसके वजह से वो आपकी टीम को चूज ना करे और ब्लू टीम में ना आए और वो जाए ऑरेंज टीम में। और वैसा ही हुआ, उन्होंने अच्छी खासी तरीके से चीज़ें ऐसी करी, या फिर मंदना और आजमा ने अपने डिसीजन से, लेकिन जो भी डिसीजन लिया दोनों ने ही ब्लू टीम को नहीं चूज़ किया, ऑरेंज टीम को चूज़ किया, इसीलिए ये क्राइटेरिया सारा ने तो फुलफिल कर दिया। लेकिन उसी के साथ साथ एक और रीज़न, एक और पॉइंट दिया गया था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप एक सीक्रेट टास्क कर रहे हो। तो क्या केवी और मुनव्वर को ये बात पता थी, इस तरीके से वार्डन ने सवाल पूछा। तब यहाँ पे सफाई देते हुए मुनव्वर एंड केवी कहते हैं, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता था। उसने सिर्फ इतना बोला था कि हमें कुछ भी करके ये दोनों अपने टीम में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुनव्वर उनसे पूछते हैं कि या तुम्हारा कोई पर्सनल रीज़न है या खुद का कोई कैलकुलेशन है। तो सारा ने बताया था कि ये मेरा कैलकुलेशन है, ट्रस्ट मी, हमें ये हमारे टीम में नहीं चाहिए, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं सीक्रेट टास्क की भनक इन लोगों को लग पड़ी थी और उस वजह से ये लोग भी इन लोगों के साथ पंगे ले रहे थे, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे और अपनी टीम में आने के लिए कन्विंस भी नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका टास्क हो जाता है फ्लॉप और सारा को राशन जीतने का अपने ब्लू टीम के लिए नहीं मिलता मौका। और जिस वजह से ऑरेंज टीम का भी एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कोई स्पेशल राशन नहीं मिलने वाला, राशन ब्लू को मिलता लेकिन वो नहीं मिला, बिकॉज सारा जो है अपने सीक्रेट टास्क में, डेयरिंग बाज के टास्क में वो फेल हो गई। वेल, स्टार्ट में भले ही ये लोग कह रहे थे ब्लू वाले, हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली इतने सारे कैमराज से और इतने सारे लोगों से आप कैसे बचोगे, जहाँ पे आपने उन्हें कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की मेरे कैलकुलेशंस है, मत लो, तो ऑब्वियसली उन्हें भनक तो पड़ ही गई थी कि ये एक सीक्रेट टास्क है, जिस वजह से सारा को नहीं मिलता है मौका टू विन द राशन फॉर हर टीम। वेल, सारा का खेल आपको कैसा लगा, क्या उन्होंने अच्छा खेला, बुरा खेला, और जिस तरीके से नतीजा हुआ, ब्लू टीम को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इवन उन्होंने वो टास्क पिछला वाला जीता तब भी, इसके ऊपर आपका क्या है रिएक्शन, क्या है आपका टेक, क्या आपको लगता है सारा है वीक लिंक इन द ब्लू टीम? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।